Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैं पावर टूल्स रिपेयरिंग करने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि देख रहे हो आप मेरे सामने कुछ टूल्स रखे हुए हैं, मैं अपने रिपेयरिंग करते समय यही टूल्स को यूज़ करता हूँ और दूसरे टूल्स नहीं है मेरे पास रिपेयरिंग करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ऑल बड़ी बड़ी मशीनें होने ज़रूरी है कि रिपेयरिंग करते समय हमें बड़े बड़े टूल्स चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों। हमें छोटे छोटे इन कुछ इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हम रिपेयरिंग कर सकते हैं, ऑल रिपेयरिंग कर सकते हैं। मैं तो इन्हें ही यूज़ करता हूँ, हर रिपेयरिंग के अंदर इन्हें ही यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए ये कुछ टूल्स हैं, इनके बारे में बता देता हूँ मैं। दोस्तों कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जिनमें अलग अलग स्क्रू ड्राइवर लगते हैं। जैसे हम कोई मशीन हम बाहर कंट्री से लेके आते हैं, उसका स्क्रू ड्राइवर अलग आता है, तो उसके लिए भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे वो सब स्क्रू ड्राइवर मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। वो कुछ कुछ मशीनों में होते हैं और हमारे जो मेड इन इंडिया होता है, जो इंडिया के अंदर जो भी मशीनें बनती है उन माइनस और प्लस स्क्रू ड्राइवर का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये माइनस और प्लस दोनों है, मल्टी यूज़ हो जाता है इसका। बहुत बढ़िया है ये स्क्रू ड्राइवर, आपको ये किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। आपके सामने है, देखिए छोटा भी है और बड़ा भी है। ये बड़ा स्क्रू ड्राइवर है, ये सिर्फ माइनस का है, इसे ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रिंच पाना, इसे हम नट खोल सकते हैं, नट बोल्ट वगैरह खोल सकते हैं, छोटे बड़े इसको कम ज़्यादा करके खोल सकते हैं, रिंच पाना बोलते हैं इसको। ये भी आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। यह बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे हम लोग जो नट स्क्रू खोलते टाइम पे टूट जाते हैं उनको खोलने के बाद में इससे पकड़ के खोल सकते हैं। इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ये कहीं पे मिल जाए तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करना, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। दोस्तों इसे टी पाना बोलते हैं, इसमें यह माइनस प्लस की बैठती है। इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैं इसी का करता हूँ पावर टूल्स रिपेयरिंग करने के लिए। सबसे बढ़िया चीज़ है ये, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के हम एकदम झाम से झाम नट खोल सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो आपको सबको पता है ये टेस्टर है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एलंकी है, ये गियर पुलर में लगता है, जिससे गियर पुलर, इसका नाम गियर पुलर है। इससे हम बेयरिंग और गियर को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ये बड़ा गियर होता है या बड़े बेयरिंग होते हैं उन्हें निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये एलंकी ऐसे लगा के टाइट कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं, इससे बढ़िया ग्रिप मिलती है टाइट करने के बाद में, और फिर उसमें खींच के निकाल सकते हैं। ये प्लायर है, वायर वगैरह कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये छोटा बेयरिंग पुलर है, बेयरिंग या गियर दोनों कुछ भी बोल सकते हैं इसे, गियर पुलर, बेयरिंग पुलर। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे बेयरिंग निकाल सकते हैं हम, छोटे वाले बेयरिंग इससे निकल जाते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके लिए छोटा वाला एलंकी लगता है, एलंकी साथ में आता है इसके। ये सब आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं, ये सब मिलता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। और पूरा पावर टूल्स का रिपेयरिंग इन्हीं पर हो जाता है, छोटे मोटे बेयरिंग इनसे निकल जाता है, बाकी का कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है हमें। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, इनके आधार पर हम हर मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये पुलर बहुत ज़रूरी होता है बेयरिंग निकालने के लिए, इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। और अब ये है फाइल, इसे फाइल बोलते हैं। इसे लोखंड लोहा घसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे औजार वगैरह अगर धार ख़राब हो जाते हैं तो इससे हम धार लगा के हमारा औजार ठीक कर सकते हैं। ये सब औजार
अभी मैंने आपको बताया इनके बारे में। दोस्तों ये पावर टूल्स यूज़ करने के बाद में बहुत गंदे हो जाते हैं, हमें एक ब्रश भी रखना है साथ में ताकि पहले ब्रश से साफ़ कर लें फिर बाद में उस पर काम करें, जिससे धूल मिट्टी उड़ेगी भी नहीं और गंदगी नहीं फैलेगी। और दोस्तों ये है हथौड़ी, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास बड़ी मशीनें नहीं हैं तो उसकी जगह पे इसे इस्तेमाल करके हथौड़ी से हम ठोक ठाक के कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया औजार है ये, बहुत बढ़िया चीज़ है। और भी है कुछ, हमें कुछ पाने वगैरह जैसे कि ये रिंच, ये पाना है, ये 10 नंबर 10-11 का पाना है, ये भी काम में आता है, ये भी होना चाहिए, हर जगह पे लगता है। और ये भी एक पाना है 10 नंबर का, ये भी बहुत बढ़िया काम की चीज़ है, खोलने में काम में आ जाता है। दोस्तों अब हम हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। किसी के कोई भी रिपेयरिंग में दिक्कत आए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द दूंगा। और दोस्तों मेरा चैनल नया है, कोई गलती हो जाए तो माफ़ी, मैं नया हूँ, कोशिश करूँगा कि अगली बार वीडियो जल्दी आए और इससे भी अच्छी बनाऊँ।